जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, एविल स्नोमैन ने हमारे शिनचैन को किडनैप कर लिया था, जिसके बाद उसने शिनचैन को छोड़ने के बदले में हमारे फ्रैंकलिन के सामने कुछ शर्तें रखी थी। लेकिन बड़ी मुश्किलों के बाद फ्रैंकलिन ने स्नोमैन की शर्तों को पूरा भी कर दिया था। लेकिन लास्ट में जो स्नोमैन ने क्रिसमस ट्री मांगा था, फ्रैंकलिन को पूरे जंगल में ढूंढने के बाद भी वो क्रिसमस ट्री नहीं मिल रहा था। तो क्या आज हमारा फ्रैंकलिन उस जादुई क्रिसमस ट्री को ढूंढने के बाद एविल स्नोमैन से शिनचैन को बचा पाएगा या फिर नहीं, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो ऑलराइट गाइस, अभी अगला दिन निकल चुका है और हम यहाँ पर जंगल में हमारे क्रिसमस ट्री को ढूंढ रहे हैं। लेकिन यार अभी तक भी मुझे कोई भी क्रिसमस ट्री नहीं दिखा है। बाकी के सिंपल ट्री तो यहाँ पर भाई काफी ज्यादा है और हमें सिर्फ क्रिसमस ट्री ढूंढना है। मुझे नहीं पता था कि यार क्रिसमस ट्री को ढूंढना भाई इतना ज्यादा मुश्किल टास्क होगा, इसलिए तो यार स्नोमैन ने हमें स्पेशली क्रिसमस ट्री लाने के लिए बोला था। मुझे तो लगा कि भाई जंगल में इजिली क्रिसमस ट्री हमें मिल जाएगा, लेकिन भाई अभी अगला दिन भी निकल चुका है और मैं काफी देर से उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा है। अगर आपको कहीं पर भी यहाँ पर क्रिसमस ट्री दिखे तो जल्दी से कमेंट जरूर कर देना, ताकि हम उसे जल्दी से ले जाकर अपने शिनचैन को भाई बचा लें। अरे यार यहाँ पर गाड़ी खड़ी है और वहां पर चोपर भी है, चोपर से चलकर हम क्रिसमस ट्री को ढूंढे क्या गाइज? नहीं यार, वैसे यहाँ पर बर्फ गिर रही है और अगर यहाँ पर लैंडस्लाइड होगी ना तो काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो हम यहाँ पर क्रिसमस ट्री को भाई अपनी बाइक से ही ढूंढेंगे। एक सेकंड, मुझे वहां पर थोड़ी सी यार लाइट नजर आई, मुझे ऐसे लगा कि वहां पर कुछ चमक रहा है। चलो यहाँ पर ऊपर चल के देखते। अरे गाइज ये देखो, यहाँ पर एक क्रिसमस ट्री हमें मिल चुका है और यार ये मुझे कोई जादुई पेड़ लग रहा है। भाई देखो किस तरह चमक रहा है, नीचे से चमक रहा है और ये साइज में भाई काफी ज्यादा ही बड़ा है। अगर हम इस वाले क्रिसमस ट्री को लेकर जाएंगे ना तो वो एविल स्नोमैन भाई बिल्कुल खुश हो जाएगा और हमारे शिनचैन को भाई बिल्कुल ठीक ठाक छोड़ देगा। वैसे गाइज आप इस वाले क्रिसमस पर हमारे सेंटा क्लॉज से अपने लिए क्या गिफ्ट मांगने वाले हो, जल्दी से कमेंट करके जरूर बता देना। तो चलो यार इस वाले क्रिसमस ट्री को भी हम अपनी इस कैप्चर वाली गन से कैप्चर कर लेते हैं। तो 3, 2, 1 फायर हो। तो फाइनली गाइस ये देखो, हमने इस क्रिसमस ट्री को भी यार कैप्चर कर लिया है। तो चलो यार अभी हमें जल्दी से उस एविल स्नोमैन के पास जाना है। यार मुझे ये डर है कि वो यार हमारे शिनचैन को भाई कुछ कर ना दे, तो इसलिए हमें उसके पास जल्दी से पहुंचना होगा। चलो गाइस यार फाइनली अभी हम अपने शिनचैन को बचा लेंगे। तो स्नोमैन, जो तुमने कहा था ना, मैंने वो तुम्हारी सारी शर्तों को पूरा कर दिया है। मैं अपनी इस कैप्चर वाली गन में ना जो जो तुमने बोला था वो लेकर आया हूँ, तो अभी तुम मेरे दो शिनचैन को छोड़ दो। इतने भी जल्दी क्या है, पहले मुझे मेरी चीज मिल तो जाने दो, तभी मैं तुम्हारे दो शिनचैन को छोड़ूंगा। अरे हाँ रुको, तो मैं तुम्हें मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं अपनी इस कैप्चर वाली गन में वो सारी चीजें लेकर आया हूँ। तो रुको अभी मैं तुम्हें देता हूँ। तो ये देखो 3, 2, 1 तो ये देखो एविल स्नोमैन, जो जो तुमने बोला था ना मैं वो सारी चीजें लेकर आया हूँ। ये देखो, ये नॉर्मल सेंटा क्लॉज है, ये ट्रिपल सेंटा क्लॉज है और ये छोटा सेंटा क्लॉज है। और ये देखो, तुमने तो सिर्फ एक क्रिसमस ट्री लेकर आने के लिए बोला था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये देखो कितना बड़ा और एक जादुई क्रिसमस ट्री लेकर आया हूँ। अब तो तुम मेरे दो शिनचैन को छोड़ दो। रुको एक बार, मुझे इन्हें चेक करने दो। हाँ ये सेंटा क्लॉज भी ठीक है, ये ट्रिपल सेंटा क्लॉज भी ठीक है और ये छोटे वाला सेंटा क्लॉज भी मुझे चाहिए था। और ये क्रिसमस ट्री तो सबसे ज्यादा अच्छा है, ये तो जादुई क्रिसमस ट्री है, ये मैंने ढूंढा था और मुझे भी नहीं मिला था। तो हाँ फ्रैंकलिन, मैं तुम्हारे काम से बिल्कुल खुश हूँ, तुम अब अपने दो शिनचैन को लेकर जा सकते हो। इसके लिए तुम्हें इस कांच को फोड़ना होगा, जिसके बाद ये शिनचैन बाहर निकल पाएगा। अच्छा ठीक है, मैं फोड़ लेता हूँ। तो गाइस यार अभी हमें ना अपनी दूसरी गन निकालनी होगी, शॉर्ट गन। हाँ इससे ना हम इस वाले कांच को आसानी से फोड़ पाएंगे। तो ये देखो, हम अभी ना सारे कांच को फोड़ कर ना अपने शिनचैन को बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा भाई शिनचैन जल्दी से मेरे पास आ जा, इस एविल स्नोमैन का भाई कुछ भी नहीं पता, इसका अगर फिर से दिमाग खराब हो गया ना तो ये फिर से तुझे पकड़ लेगा। जल्दी आ मेरे पीछे पीछे। ठीक है फ्रैंकलिन भैया, मैं आ रहा हूँ, जल्दी से यहाँ से चलो, ये एविल स्नोमैन बहुत बेकार है। गाइस यार ये एविल स्नोमैन भाई काफी ज्यादा ही खतरनाक है। शिनचैन तुझे पता है मैंने तेरे लिए क्या क्या किया है? हाँ फ्रैंकलिन भैया मुझे सारा पता है, मैं वहाँ पर है ना आपकी सारी बातें सुन रहा था, आपने मेरे लिए इतना सब किया उसके लिए थैंक यू। और चलो जल्दी से यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा डर लग रहा है। गाइस मुझे लगता है कि हमारा शिनचैन है ना यहाँ पर एविल स्नोमैन के साथ रहकर भाई काफी ज्यादा डर गया है, तो इसलिए हमें है ना इसे जल्दी से शहर में लेकर चलना होगा। एक काम करता हूँ गाइस, इसे है ना बीच पर लेकर चलता हूँ और वहाँ पर है ना इसको थोड़ी शॉपिंग करवा दूंगा, ताकि इसके मन से है ना एविल स्नोमैन का भाई डर निकल जाए। फ्रैंकलिन भैया मैंने नहीं सोचा था कि हमारा क्रिसमस यार इतना ज्यादा खराब जाएगा। और पता है मैं ना आपसे मिलने के लिए आपके घर पर आ रहा था और पीछे से इस एविल स्नोमैन ने मेरे ऊपर अटैक करके है ना मुझे किडनैप
किडनैप कर लिया था। अच्छा, इसने तेरे ऊपर अटैक भी किया है? मुझे तो लगा यार इसने तुझे सिंपली किडनैप किया है, लेकिन भाई इसने बच्चे को भी मारा। काफी बेकार स्नोमैन है यार ये तो। अरे हाँ गाइस, ये एविल स्नोमैन तो भाई काफी ज्यादा बेकार है। गाइस आपको ये एविल स्नोमैन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, मुझे तो यार ये बिल्कुल ही बकवास लगा था। अरे फ्रेंड भैया, ये कैसी आवाज आ रही है आपके पीछे से, देखो। अरे एक सेकंड में देखता हूँ। अरे शिनचैन ये देख भाई, मुझे लग रहा है इस एविल स्नोमैन ने ना अपने जादू से देख उन चीजों का यूज करके अपने आप को कितना बड़ा बना लिया है। अरे फ्रेंड भैया यहाँ से भागो, ये काफी ज्यादा खतरनाक है, देखो कितना ज्यादा बड़ा है। अरे हाँ यार शिनचैन, मुझे पता है, एक काम करते हैं भाई, जंगल के रास्ते से निकलते हैं क्योंकि जंगल में ये आ नहीं पाएगा। ये देख काफी ज्यादा बड़ा है गाइस। यार ये देखो भाई, ये एविल स्नोमैन कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका है। फ्रेंक भैया हमने अपने चक्कर में ना पूरे लॉस सैंटोस को खतरे में डाल दिया है, अब ये पूरे लॉस सैंटोस को बर्बाद कर देगा। अरे हाँ यार शिनचैन तू बिल्कुल ठीक बोल रहे है। अरे हाँ शिनचैन यार तू बिल्कुल ठीक बोल रहे है। और अगर इसी तरह ये हमारे लॉस सैंटोस में आ गया ना, तो ये भाई कुछ ही देर में हमारे लॉस सैंटोस को बर्बाद कर देगा। वो देख कितनी ज्यादा ताकत है इसके अंदर। अरे हाँ फ्रेंक भैया, इसका साइज तो देखो, पहले तो ये छोटा था लेकिन अब तो ये काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। अब हम इसको कैसे रोकेंगे? शिनचैन, इस स्नोमैन को रोकने का ना अभी सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें जल्दी से ना एवेंजर्स की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि इसको रोकना और किसी के बस की बात है ही नहीं। तो चल जल्दी से ना एवेंजर्स के पास चलते हैं। अरे हाँ फ्रेंक भैया, इसको तो हमारी आर्मी भी नहीं रोक सकती है, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। ये देखो सब कुछ ये जलाकर तहस नहस कर देगा, ये देखो कितना ज्यादा पावरफुल है। अरे गाइस यार, हमने को बचाने के चक्कर में ना इस एविल स्नोमैन को भाई और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया है। तो चलो यार अभी जल्दी से ना एवेंजर्स के पास चलते हैं, वही है ना इस स्नोमैन को रोक सकते हैं। चलो गाइस यार अभी हम टोनी स्टार के घर पर पहुंच चुके हैं। अरे फ्रेंक भैया ये तो टोनी स्टार का घर नहीं है, ये टोनी स्टार का है ना फार्म हाउस है, और यहाँ पर टोनी है ना कई बार आता, और मुझे पता लगा कि अभी टोनी है ना यहीं पर आया हुआ है। देखिए रा टोनी, टोनी जल्दी से मेरी बात सुनो, अभी लॉस सैंटोस पर है ना काफी बड़ा खतरा आ चुका है, जल्दी से हमारी हेल्प करो। हाँ फ्रैंकलिन बोलो क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? टोनी ये तो काफी बड़ी स्टोरी है, रुको मैं तुझे है ना बिल्कुल शॉर्ट करके बताता हूँ। हमारे शिनचैन को है ना एक स्नोमैन ने किडनैप कर लिया था, और उसने है ना कुछ चीजें बोली थी, अगर मैं वो चीजें नहीं करता ना तो वो हमारे शिनचैन को मार देता, तो इसलिए ना मैंने उसकी सारी शर्तों को पूरा किया, जिसके बाद है ना वो स्नोमैन अभी साइज में काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, और वो सब कुछ तबाह करते हुए ना लॉस सैंटोस की तरफ आ रहा है, और अगर हमने उसे जल्दी से नहीं रोका ना तो वो पूरे लॉस सैंटोस को बर्बाद कर देगा। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था फ्रैंकलिन, तुम्हें सबसे पहले मेरे पास आना चाहिए था, हम मिलकर शिनचैन को बचा लेते, लेकिन अब सब कुछ हाथ से जा चुका है, तो हमें खुद ही उस स्नोमैन को जाकर रोकना होगा। तो तुम एक काम करो, अंदर मेरे गैराज में एक सूट पड़ा हुआ है, जल्दी से तुम उस सूट को पहन लो, हम दोनों जाकर उस स्नोमैन को रोकने की कोशिश करते हैं। और शिनचैन तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरे इस फार्म हाउस के अंदर ही रहना, बाहर बिल्कुल भी मत निकलना, क्योंकि बाहर काफी ज्यादा खतरा है। ठीक है टोनी भैया, मैं यहाँ से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, लेकिन आप भी अपना ख्याल रखना, वो स्नोमैन काफी ज्यादा खतरनाक है। तो चलो गाइस यार, मैं भी जल्दी से ना टोनी का वो सूट पहन लेता हूँ, और उसके बाद यार हम उस स्नोमैन से फाइट करने के लिए जाने वाले हैं। तो ऑल राइट गाइस, ये देखो मैंने मार्क 47 को पहन लिया है, और ये भाई दिखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा है। टोनी यार ये वाला सूट भी भाई काफी ज्यादा कूल है। हाँ फ्रैंकलिन, मेरे सारे ही सूट काफी ज्यादा कूल है। हाँ वैसे ये बात भी है। तो चल टोनी, मैंने अपने सूट को एक्टिवेट कर लिया है, तो चल टोनी मेरे पीछे पीछे आ जा, मुझे पता है कि वो एविल स्नोमैन अभी कहाँ पर होगा। ठीक है फ्रैंकलिन, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। एक मिनट गाइस यार, पीछे देख लेते हैं कि टोनी आ तो रहे ना, यहाँ पर रुक जाते हैं, उसका वेट करते हैं, कहाँ पर भाई आ रहा है या नहीं आ रहा, कहाँ पर। हाँ ये देखो गाइस, टोनी हमारे साथ ही है। तो चलो अभी जल्दी से उस स्नोमैन से फाइट लेने के लिए चलते हैं। वो है ना अभी शहर की तरफ गया था, तो अभी हम है ना शहर की तरफ जा रहे हैं। आई होप यार वो अभी तक शहर में नहीं पहुंचा हो, क्योंकि अगर वो शहर में पहुंच गया होगा ना तो वहां पर उसे रोकना भाई काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक तो वहां पर लोग भी काफी ज्यादा है, और हम लोगों के बीच में यार काफी ज्यादा गोलियां नहीं चला सकते हैं। तो यहाँ पर तो नहीं यार, एविल स्नोमैन यहाँ पर शहर में तो नहीं दिख रहा है, और शहर अभी बिल्कुल शांत है, तो इसका मतलब कि एविल स्नोमैन अभी शहर तक नहीं पहुंचा है, वो शहर से बाहर ही है। लेकिन भाई पूरे लॉस सैंटोस में वो कहां पर है, वो भी तो हमें देखना होगा ना। फ्रैंकलिन क्या तुम्हें वो स्नोमैन दिखा? नहीं टोनी, मैं उसी को देख रहा हूं, मुझे नहीं दिखा है, एक सेकंड में उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। लेकिन कहां पर गया यार, इतना बड़ा स्नोमैन यार दिख ही नहीं रहा, कहां पर गया? एक सेकंड, मुझे उसकी आवाज आ रही है। टोनी, अरे टोनी उसने मेरे ऊपर अटैक किया। रुको फ्रैंकलिन, मैं आ रहा हूं। गाइस यार ये कितना ज्यादा बड़ा है। टोनी मेरे साथ ही तुम है ना इसके ऊपर अपनी बीम को अटैक करो। अरे यार टोनी कहां पर गया यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तो भाई ये इतने तगड़े अटैक कर रहे हैं कि मुझे टोनी भी नहीं दिख रहे हैं, और इसका भी पता नहीं लग रहा है कि भाई ये कैसे अटैक कर रहे हैं, लेकिन हम इसे रोक सकते हैं। टोनी यार उसके ऊपर अटैक करो ना। फ्रैंकलिन मैं इसके ऊपर अटैक कर रहा हूं, लेकिन ये काफी ज्यादा खतरनाक है।
वो देखो मैंने इसके ऊपर अपनी जेरिको मिसाइल्स भी मारी लेकिन इसके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा है। अरे एक सेकंड गाइस, यार मुझे लगता है कि भाई इस स्नोमैन को रोकना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। टोनी यार मेरा सूट इसके सामने काम ही नहीं कर रहे हैं। मैं भी इसके सामने कमजोर पड़ रहा हूँ। वो देखो अब वो मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। रुक मैं इसको देखता हूँ, मैं दोबारा से अपनी भीम मारता हूँ। अभी तुम इसके ऊपर है ना जेरिको मिसाइल्स मारो। ठीक है फ्रैंकलिन मैं मारता हूँ, ये देखो। अरे यार तेरी जेरिको मिसाइल्स मुझे भी लगी है।